हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं कंपेयर करूंगा फेंडर स्क्वायर बुलेट स्ट्रैट और वॉल्ट एलपी 1 MN को, जो कि करीब 10 से 12000 रुपए की प्राइस रेंज में आ जाते हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रिक गिटार आपके लिए अच्छा है, जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिक गिटार लेना चाह रहे हैं करीब 10 से 12000 रुपए की प्राइस रेंज में, तो फेंडर स्क्वायर बुलेट स्ट्रैट और वॉल्ट एलपी 1 MN काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। ये दोनों गिटार जो हैं, इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन काफी डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों गिटार्स की जो बॉडी है वो बेस वुड की बनी है, नेक जो है मेपल वुड का है और फ्रेटबोर्ड जो है वो रोज वुड का है। दोनों गिटार्स का जो हार्डवेयर है काफी अच्छा है प्राइस के हिसाब से, और काफी स्टर्डी गिटार्स है दोनों। अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो उसकी काफी लंबी लिस्ट हो जाती है। जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हैं, इन दोनों की बॉडी एकदम अलग है। जो फेंडर स्क्वायर बुलेट स्ट्रैट है वो एक ट्रेडिशनल डबल कट अवे स्ट्रैटोकास्टर है, और ये फेंडर कंपनी का ही एकदम एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक गिटार है। तो इसमें आपको एकदम फेंडर वाली ऑथेंटिक फील मिल जाती है। अगर आप इसकी बॉडी को देखें या इसके अगर नेक को देखें, तो एग्जैक्टली आपको जो फेंडर के हाई एंड इलेक्ट्रिक गिटार्स होते हैं उस तरीके के ही डिजाइन और फील मिल जाती है। अगर आप वॉल्ट एलपी 1 MN की बात करें, तो बेसिकली ये एक गिब्सन लेस पॉल की कॉपी है। अब गिब्सन लेस पॉल तो काफी हाई एंड गिटार हो जाता है, और गिब्सन का ही जो इकोनॉमिकल ब्रांड है एपिफोन, उसके भी जो गिटार्स हैं वो अफोर्डेबल तो होते हैं, लेकिन वॉल्ट जो आपको फीचर्स दे रहा है इस प्राइस पॉइंट पे, उतने फीचर्स आपको एपिफोन लेस पॉल में भी देखने को नहीं मिलते। तो फेंडर स्क्वायर बुलेट स्ट्रैट में आपको एक डबल कट अवे डिजाइन बॉडी मिल जाती है, कि इसमें जो है दोनों तरफ एक कट मिल जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। और लेस पॉल की बात करें तो ये एक सिंगल कट अवे बॉडी वाला गिटार होता है, तो इसमें आपको नीचे की तरफ सिर्फ एक कट अवे डिजाइन मिल जाता है। अगर इन दोनों का ब्रिज देखेंगे आप, तो वो भी काफी डिफरेंट है। फेंडर स्क्वायर बुलेट स्ट्रैट में आपको एक ट्रेमेलो ब्रिज मिल जाता है, और वॉल्ट एलपी 1 MN में आपको एक फिक्स ब्रिज मिल जाता है। अगर पिकअप कॉन्फिग्रेशन की बात की जाए तो वो भी काफी डिफरेंट है इन दोनों गिटार्स में। फेंडर स्क्वायर बुलेट स्ट्रैट में आपको मिल जाती है हमबकर सिंगल कॉइल सिंगल कॉइल। तो बेसिकली ब्रिज पिकअप जो है वो हमबकर है, मिडल और नेक पिकअप जो है वो सिंगल कॉइल है। इसमें एक और वर्जन आता है जिसमें आपको तीनों पोजीशंस पे सिंगल कॉइल पिकअप मिल जाती है। अगर वॉल्ट एलपी 1 MN की बात करें तो इसमें ब्रिज में भी और नेक में भी आपको हमबकर पिकअप्स मिल जाती हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस आ जाता है पिकअप्स का, वो है कि अगर आपको अच्छी क्लीन साउंड चाहिए, थोड़ी एकॉस्टिक जैसी रिजेंबलिंग साउंड चाहिए, तो फेंडर स्क्वायर बुलेट स्ट्रैट बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको थोड़ी फैट टोन चाहिए और डिस्टॉर्शन में काफी थिकनेस चाहिए, तो हमबकर पिकअप्स बहुत अच्छी होती हैं। तो फेंडर स्क्वायर बुलेट स्ट्रैट में तो आपको ब्रिज पोजीशन में हमबकर मिल जाती है, तो उसमें आप डिस्टॉर्शन में आराम से प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर मिडल और नेक पिकअप की बात की जाए, तो क्योंकि वो सिंगल कॉइल है तो डिस्टॉर्शन में हमिंग साउंड आएगी, तो वो थोड़ी सी दिक्कत करेगी आपको। और अगर मैं वॉल्ट एलपी 1 MN की बात करूं, तो इसके जो क्लींस है वो उतने वर्सेटाइल और उतने अच्छे तो नहीं होंगे जितने कि एक बुलेट स्ट्रैट के हैं, लेकिन आपको फिर भी काफी डिसेंट क्लीन टोन्स मिल जाएंगी। लेकिन इधर जो है डिस्टॉर्टेड टोन आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि इसमें ब्रिज पिकअप में भी हमबकर है, और नेक पोजीशन में भी अगर आपको एक मेलो और एक स्मूथ डिस्टॉर्शन टोन चाहिए, तो वो आपको वॉल्ट एलपी 1 MN में मिल जाएगी। तो पिकअप कॉन्फिगरेशन बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है। अगर आपको क्लीन टोन ज्यादा पसंद है तो फेंडर स्क्वायर बुलेट स्ट्रैट बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ज्यादा डिस्टॉर्शन यूज करना चाहते हैं तो वॉल्ट एलपी 1 MN बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा इन दोनों गिटार्स का पिकअप सिलेक्टर भी काफी डिफरेंट है। फेंडर स्क्वायर बुलेट स्ट्रैट में आपको एक 5-way पिकअप सिलेक्टर मिल जाता है, और वॉल्ट एलपी 1 MN में आपको एक 3-way पिकअप सिलेक्टर मिल जाता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ही टोन्स में चेंजेस चाहिए या आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस चाहिए, तो 5-way पिकअप सिलेक्टर काफी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग पोजीशंस पे काफी अलग अलग साउंड मिल जाएगी। और जो 3-way है वो उतना वर्सेटाइल तो नहीं होता, तो ये आपके ऊपर है कि आपको जो है क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है। जैसे कि मेरे को इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती कि मेरे को 5-way पिकअप सिलेक्टर की नीड पड़े, तो मेरे को 3-way भी जो है काफी पसंद आता है। अगर टोन और वॉल्यूम नॉब्स को देखा जाए, तो फेंडर बुलेट स्ट्रैट में आपको एक वॉल्यूम नॉब मिल जाता है और 2 टोन नॉब्स मिल जाती हैं, और वॉल्ट एलपी 1 MN में आपको हर पिकअप के लिए 1 वॉल्यूम और 1 टोन नॉब मिल जाती हैं। तो कितनी नॉब्स एक गिटार में होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्ट्रैटोकास्टर वाला गिटार है उसमें 3 नॉब्स का ही अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा आपको, और जो लेस पॉल डिजाइन वाले गिटार्स होते हैं उसमें यूजुअली 4 नॉब्स का ही डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर नेक जॉइंट की बात की जाए, तो फेंडर बुलेट स्ट्रैट में आपको एक बोल्ट ऑन नेक मिल जाता है, और वॉल्ट एलपी 1 MN में आपको एक सेट नेक मिल जाता है। तो जितने भी स्ट्रैटोकास्टर डिजाइन वाले गिटार्स होते हैं, या अगर मैं फेंडर की ही बात करूं कि उनके जैसे हाई एंड स्ट्रैटोकास्टर भी होते हैं,
वो सारे बोल्टन नेक वाले होते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बड़ा ही कॉमन डिजाइन होता है स्ट्रैट्स में। और अगर मैं वॉल्ट LP1MN की बात करूं तो एक लेस पॉल डिजाइन वाला गिटार है, क्योंकि तो इसमें जो है सेट ने काफी अच्छा फीचर उन्होंने दे दिया इस प्राइस पॉइंट में। यूजुअली अगर आप बाकी ब्रांड्स की गिटार देखें, जैसे कि एपिफोन हो गया या कॉर्ट हो गया, तो उसमें आपको बोल्टन नेक मिल जाता है, उसमें आपको सेट नेक नहीं मिलता इस प्राइस पॉइंट पे। अगर आप कोई भी थोड़ा सा महंगा गिटार लेते हैं करीब 25-30 हज़ार का, कॉर्ट में और एपिफोन की जितनी भी प्रीमियम रेंज होती है उसमें आपको सेट नेक देखने को मिल जाता है, लेकिन जितनी भी बिगनर रेंज होती है उसमें आपको एक बोल्टन नेक मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मेरे को कि वॉल्ट इतने कम प्राइस पे करीब 10 हज़ार रुपये में आपको एक सेट नेक दे रहा है। अब अगर कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जो बुलेट स्ट्रैट है वो इंडोनेशिया में बना है और जो वॉल्ट LP1MN है वो चाइना में बना है। ऑल द वॉल्ट चाइना में बनता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और एकदम इंडोनेशियन जैसा क्वालिटी चेक रखा गया है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर ये चाइना में भी बना हुआ है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और लास्ट में एक जो डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है वो है इनलेस का। जो बुलेट स्ट्रैट है उसमें आपको डॉट इनलेस मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल इनलेस है और मोस्टली आपको सारे स्ट्रैटोकास्टर में इस तरीके के ही इनलेस मिलेंगे। और अगर मैं वॉल्ट LP1MN की बात करूं तो इसमें ट्रेपेजॉइड इनलेस मिल जाते हैं। पहले इसके अंदर डॉट इनलेस मिल जाते थे, अब पता नहीं फिर से कहीं डॉट इनलेस ना आ जाए, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास गिटार है उसमें ट्रेपेजॉइड इनलेस हैं, तो एक काफ़ी प्रीमियम लुक देते थे इस प्राइस पॉइंट पे। तो चलिए इन दोनों गिटार्स का साउंड चेक करते हैं।
तो ये था इन दोनों गिटार्स का साउंड चेक। अब अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूँ तो मेरे को वॉल्ट एलपी वाले मैन बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें काफ़ी डिसेंट क्लीन्स तो मिल जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा डिस्टॉर्शन में प्ले करना पसंद करता हूँ, तो जो इसका पिकअप कॉन्फिग्रेशन है कि नेक में और ब्रिज पोजिशन में हम्बकर पिकअप्स हैं, तो मुझे उस तरीके का अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको किस तरीके का पिकअप अरेंजमेंट पसंद आता है या पिकअप कॉन्फिग्रेशन पसंद आता है। तो आप देखिए कि अगर आपको ज़्यादा क्लीन टोन्स पसंद है और आपको डिस्टॉर्शन में इतना ज़्यादा नहीं प्ले करना, तो आप बुलेट स्ट्रैट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं डिस्टॉर्शन में प्ले करना है और उसमें ज़्यादा वर्सिटैलिटी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वॉल्ट एलपी 1MN देखिए। दोनों गिटार जो है लेकिन काफ़ी अच्छे हैं, दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी है, और अगर 10 से 12,000 रुपए का आपका बजट है तो उस हिसाब से दोनों गिटार्स बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक गिटार्स में से आपको कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो वो भी कमेंट करिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय।